खुलता नहीं है ये राज है क्या, अली अली मेराज में भी आपका लहजा अली अली। मिल जाएगी बुलंदी इरफाने हक तुम्हें, इसके लिए बस एक है जीना अली अली। माशाल्लाह। करते हैं दो जहां तिलावत किताब की, करते हैं दो जहां तिलावत किताब की, कुरान जिसे पढ़े वो सहीफा अली अली अली। अली सुभान अल्लाह। मौजें मचल के आप ही पतवार हो गईं, कहता हुआ बड़ा जो सफीना अली अली अली। अली अली सुभान अल्लाह। पैगंबरे खुदा से किसी और से नहीं, सीखो पुकारने का सलीका अली 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 अली। अली रहमत का ताज हक से मिला है रसूल को, रहमत का ताज हक से मिला है रसूल को, इस ताजे मुस्तफ़ा का नगीना अली अली। जब से गदीर खुम में बताया रसूल ने, है मोमिनों के दिल का वजीफा अली अली। सदियों से बरकरार शिगाफे हदार है, खुद आप कह रहा है करीना अली अली। अली पूछा गया जो कौन है हमसर बतूल का, पूछा गया जो कौन है हमसर बतूल का, उतरा पुकारता हुआ तारा अली अली। तूफान मुश्किलात बिगाड़ेगा क्या मेरा, कश्ती अली अली है किनारा अली अली। फताओ जफर उसी के मुकद्दर में है जफर, जिस कौम की जुबान है पहनारा अली अली। अली माशाल्लाह। जी नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हैं। हमारी तरफ से एक बारी फिर जो है वो जश्न मौलूद काबा की मुबारकबाद जो है वो कबूल कीजिए। और आज अभी आपके लिए फ़ोन लाइंस भी खोल दी गई हैं, और थोड़ी देर में आप स्क्रीन पर हमारा नंबर भी देख सकेंगे, आप हमें कॉल कीजिए। हम हमारी तरफ से भी और पूरी हिदायत टीवी की तरफ से और सुबह हिदायत की टीम की तरफ से आपको दिली मुबारकबाद पेश करते हैं इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलादत के मौका पर। जी भाई साहब, मेरे बैठने का मकसद बेसिकली इस वक्त या आज यही है कि पूरी दुनिया को हिदायत टीवी की मैनेजमेंट की तरफ से, स्टाफ की तरफ से और हिदायत फैमिली की तरफ से जश्न मौलूद काबा की मुबारक पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है वो इस खुशी के दिन को बेहतर तरीके से, आसान तरीके से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन अस्सलाम बहन और कहाँ से? जी, मैं मैनचेस्टर से कॉल कर रही हूँ, जी और फरमाइए। मैं आप सबकी हिदमत में और सब मोमिनीन मोमिनात की हिदमत में और इमाम इस्माइल अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सलाम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की बारगाह में आज के मौलूद की मुबारक पेश करती हूँ। बहुत जनाब बहुत अल्लाह मुबारक के आपको। कुरान कुल्ले ईमान शेर यजदान हक की पहचान इमाम मशारिक वल मगारिब मलूद काबा फातेह खैबर अमीर अलमोमिनीन यासूबुद्दीन सैयदुलवसीन साहिबुल्लवा असदुल्ला माशाल्लाह वलीउल्ला माशाल्लाह। सबहतुल्ला रहियल रहियतुलहुदा मौलामोमिनीन खलीफत रसूलल्ला नासर रसूलल्ला सुभान कातिल अल्लाह सुभान अल्लाह। नाकिसीन एलिया साहिब जुल्फकार नात के कुरान साकी कोसर नफ्स रसूलल्ला साहिबुल्ला खैरुल बशर नुक्ता बाय बिस्मिल्ला काजी माशर बाब इल्म अहमद यदुल्ला ऐनुल्ला निसानुल्ला उज्मुल्ला वाह वलीउल्ला तहफतुल माशाल्लाह अर्ज माशाल्लाह अमीर अलमोमिनीन की आमद की पुरजोर मुबारकबाद पेश करती हूँ माशाल्लाह अपनी तरफ से। माशाल्लाह। और गालिब आप कुल्ले सब की गालिब अली बारगाह इब्न में अबी तालिब अलैहि मौला सलाम अली अलैहि सलाम। सलाम शेर यजदान की मुबारकबाद पेश करती हूँ, सुभान अल्लाह और सुभान एक दो मनकबत पेश करने की सादत हासिल करती हूँ अगर आपकी बिस्मिल्लाह इजाज़त हो तो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीद हैदर की इबादत है ये फरमान नबी, दीद हैदर की इबादत है ये फरमान फरमान नबी, नबी है अली रूहे नबी जिसमें नबी जान वाह नबी। सुभान अल्लाह कुले सुभान अल्लाह। तहीर अली हक की शमशीर अली नूरे तनवीर अली बदरे मुनीर अली नबी का वजीर अली मालिके तकदीर अली। पैगंबरी के चांद का हाला है अली बातल की तीरगी का उजाला है अली पैगाम किरदगार का जौहर है अली ईमान के सदफ का गौहर है अली। हर कल्ब अली जिस्म अली जान अली है मुझ बेसर और सामान का सामान अली अली है। अली ईमान के मुतलाशियों ईमान की कह दूं ईमान तो ये है मेरा ईमान अली है। शाहे मर्दा है अली मौला शेर यजदा है अली अली मौला, मौला दीन को जिसने नूर ऐन दिया यानी अपना जिगर हुसैन दिया। तब इधर उधर से मिलता है फैज उनकी नजर से मिलता है,
मैंने जब भी उन्हें पुकारा है एक सदा आई के तू हमारा है। सलवात अल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू, खुदा हाफिज़। जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह, माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो। बड़े खूबसूरत माशाल्लाह अंदाज, बहुत आसन अंदाज से इन्होंने जो है वो मनकबत और कलाम पेश किया। यहाँ पे मैं आज स्पेशल रिक्वेस्ट करूँगा मनकबत खान हजरात से, या वो लोग जो कसीदा पढ़ सकते हैं शेर और शायरी कर सकते हैं, कि प्लीज आइए और आज इस खुशी के दिन की रौनकों को दोबाला करें। और कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम, मेरी तरफ से मेजर साहब को, आप सबको मौला की विलादत बहुत साहब को भी मुबारक हो। आप लोगों की आवाज है बहुत कम आ रही है, जब 60-70 नंबर आता है तो जब जाकर सुनाई देता एक बार। और दूसरे मेरी तरफ से 25 पाउंड मैं मौला की विलादत के लिए हिदायत टीवी को हदिया करती हूँ, और मेरे लिए दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज नरजत, बहुत मेहरबानी आप ने इस खुशी के मौका पे पार्टिसिपेट किया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेहरबानी। और बड़ा अच्छा लग रहा है हमें, हमारे कॉलर्स हमारे नाज़रीन जो हैं हमारे साथ हैं। और जैसे कि मेजर साहब ने कहा कि जो ख़ासतौर पर मनकबत ख्वाह जो हजरात ख़ासतौर पर भाई जो हैं जो पढ़ सकते हैं वो आकर ज़रूर हमारे प्रोग्राम में शामिल हों, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और तमाम जो बाकी मोमिनीन और मोमिनात हैं उनके लिए भी एक बड़ा पुरलुत्फ़ और बेफिक्र हो के कॉल करें, मैं चंदा नहीं मांगूंगा। कहीं मुझे देख के कॉल करना ना बंद कर दे। आज सिर्फ और सिर्फ इन खुशियों में शामिल होने जो है वो हमारा मकसद है। और ज़रूर मैं चाहूँगा ख़ासकर मनकबत खान और कसीदा गो हजरात और शायर भी जो हैं वो भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। आइए अपना कलाम सुनाइए और खुशियाँ बांटिए। बड़ी खूबसूरत बात क़िबला ने की उस वक्त के, बात हो रही थी कि जहाँ पर मौला के मौजज़ात का और उनके करामात का जिक्र होता है, कल्ले अजदर का और उसको फाड़ना और जो है वो तिलावत करना बतने मादर से, तमाम चीज़ें क़िबला ने इससे ऊपर की एक बात की। उन्होंने कहा कि ये तमाम चीज़ों के ऊपर जो लोग सनदें मांगते हैं और उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं, क्या वो ये भूल गए हैं कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को खुदा ने विलायत अता की थी, और जिसको विलायत अता कर दी जाती है और जो नूरी मखलूक है उसके लिए ये सब चीज़ें एक कोई माने नहीं रखती, कोई हैसियत नहीं रखती। तो और इस वक्त अब साइंस भी उस चीज़ को प्रूफ करती है कि जो लाइट की स्पीड से सफ़र करे तो वो 40 लोगों को के साथ एक साथ उनके पास मेहमान हो जाना, अमीरुल मोमिनीन के लिए सब चीज़ें कोई इनकी कोई हैसियत नहीं है। जो उनकी शख्सियत है, जो उनकी बुलंदी है, जो खुदा ने उनको करामात से नवाजा है, मतलब जो सरापा वो नूर है, कि उन चीज़ों की तरफ अगर हम तवज्जो करें और सिर्फ तासुब की ऐनक उतार के अगर हम उनकी शख्सियत की तरफ देखें और उसके फ़ज़ाइल और कमालात देखें, तो इस्लाम की झोली में, मतलब वो बड़ा खूबसूरत शेर है ना कि क़िस्सा इस्लाम बिन ज़िक्र अली एक लिफाफा है कि ख़त ना हो, मतलब हम इस्लाम का जिक्र करें और अमीरुल मोमिनीन का उसके अंदर बात ना हो, तो वो ऐसा एक लेटर आ गया है उसके सिर्फ लिफाफा है उसमें भाई, डेथ है, डेथ है, डेथ है। इसीलिए कहा गया है कि बुग्ज़े अली में जीते हैं मुर्दा ज़मीर लोग, बुग्ज़े अली में जीते हैं मुर्दा ज़मीर लोग, हुब्बे अली में जीने का है नाम जिंदगी। सुभान अल्लाह। आपको जीने का वो मज़ा आएगा अगर आप वाकयान हुब्बे अली जो है वो रखते हैं, आपकी ज़िंदगी जो है वो खुशियों से भर जाती है, आपको कोई गम उनके गम के सामने जो है वो परेशान नहीं कर सकता। बिल्कुल। और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर आप हुब्बे अहले बैत रखते हैं तो उसमें ना आपको गम तंग करते हैं बल्कि आप कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। कौन साहब हो, कहाँ से? मैं इजाज शाह लंदन बोल रहे हैं। इजाज शाह साहब आपको मुबारक हो, फरमाइए। मुबारक हो जी, खैर मुबारक, फरमाइए। मैं मेरे साहब नु सब मोमिनीन नु मुबारक देना चाहना जी। बहुत मेहरबानी, साडी तरफ थानू भी मुबारक। भाई आप हम टेलीविजन की आवाज मत सुने, फोन पे हमसे बात कीजिए।
ਅਲੈਕੁਮ ਅੰਕਲ ਜੁਵੇਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਦੂਜੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤਰਫੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ, ਮੁਬਾਰਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ, ਔਰ ਕੁੱਲ ਮੋਮਨੀਨ ਮੋਮਨਾਤ ਨੂੰ ਜਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣ, ਆਮੀਨ। ਮੁਹੰਮਦ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ, ਦੁਨੀਆਂ ਆਬਾਦ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਆਲ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਪੰਡਿਤ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦੀ ਆਮਦ ਸਦਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਯਾਦ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਤ ਕੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਕੀ ਤਰਫ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਤਵੱਜੋ ਦਿਲਾਈ ਹੈ ਸਭ ਕੀ, ਕਿ ਆਜ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਫੈਜ਼ ਕਸੀਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਬਾਂਟਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਜ ਜੋ ਮਹਿਰੂਮ ਰਹਿ ਜਾਏ ਉਸਸੇ ਬੜਾ ਬਦਕਿਸਮਤ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਗਾ। ਆਜ ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਕੀ ਆਮਦ ਹੈ, ਆਜ 14 ਦਰਵਾਜ਼ੋਂ ਸੇ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਫੈਜ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਪ ਚਾਹੇ ਰਸੂਲਲਾ ਸੇ ਕਿ ਦਰ ਪੇ ਜਾਏ, ਆਪ ਚਾਹੇ ਅਬ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕੇ ਦਰ ਪੇ ਜਾਏ, ਆਪ ਚਾਹੇ ਗਾਜ਼ੀ ਅਬੁਲ ਫਜ਼ਲ ਅੱਬਾਸ ਕੇ ਦਰ ਪੇ ਜਾਏ, ਆਪ ਜਿਸ ਦਰ ਸੇ ਚਾਹੇਂਗੇ ਆਜ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਅਮੀਰ ਉਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਆਜ ਕਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਕੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੇਂਗੇ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ। ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਜਨਾਬ ਅਕਮਲ ਸੈਯਦ ਸਾਹਿਬ, ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਜੀ। ਆਪ ਕੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ, ਤਮਾਮ ਅਹਿਲੇ ਇਸਲਾਮ ਕੋ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਅਲੀ ਇਬਨ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ ਕੀ ਵਿਲਾਦਤ ਬਾ ਸਆਦਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ, ਆਪ ਕੋ ਵੀ, ਔਰ ਆਪ ਕੀ ਵਿਸਾਸਤ ਸੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਾ ਪੈਗਾਮ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਅਗਰ ਦਹਿਨ ਹੋ ਤੋ ਇਸਕੀ ਜ਼ਬਾਂ ਹੈ ਇਲਮ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਯੇ ਇਲਮ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਂ ਪੇ ਇਲਮ ਅਲੀ ਕਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਅਗਰ ਦਹਿਨ ਹੈ ਤੋ ਇਸਕੀ ਜ਼ਬਾਂ ਹੈ ਇਲਮ, ਹਕ ਕਾਰਵਾਂ ਹੈ ਇਲਮ ਔਰ ਕਾਰਵਾਂ ਨੇ ਇਲਮ, ਪੈਕਰ ਹਸਾਰੇ ਜਾਂ ਹੈ ਤੋ ਅਹਿਸਾਸ ਜਾਂ ਹੈ ਇਲਮ, ਕਾਬਾ ਮਕਾਂ ਹੈ ਔਰ ਖਬਰੇ ਲਾ ਮਕਾਂ ਹੈ ਇਲਮ, ਤਜਸੀਮ ਹੋ ਕੇ ਸੂਰਤ ਹੈਦਰ ਮੇ ਆ ਗਯਾ, ਜਿਸ ਘਰ ਕੋ ਜਾਨਤਾ ਥਾ ਇਸੀ ਘਰ ਮੇ ਆ ਗਯਾ, ਜਿਸ ਘਰ ਕੋ ਜਾਨਤਾ ਥਾ ਇਸੀ ਘਰ ਮੇ ਆ ਗਯਾ, ਔਰ 13 ਰਜਬ ਕੀ ਸੁਬਹ ਹੈ ਆਇਨਦਾਰ ਇਲਮ, ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਸਤਕਿਲ ਹੈ ਚਮਨ ਮੇ ਬਹਾਰ ਇਲਮ, ਅਰੇ ਭੂਲੇਗਾ ਕੌਣ ਜਲਵਾ ਗਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਯਾਰ ਇਲਮ, ਵੋ ਨੂਰ ਔਰ ਵੋ ਖਾਨਾ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਇਲਮ, ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲ ਕਮਾਲ ਕੀ ਬਾਤੇ ਨਬੀ ਕੇ ਸਾਥ, ਗੋਯਾ ਤਮਾਮ ਇਲਮ ਭੀ ਆਯਾ ਅਲੀ ਕੇ ਸਾਥ, ਤਿਫਲੀ ਕੇ ਵਾਕਿਆਤ ਮੇ ਕਾਬੇ ਕੇ ਫਰਸ਼ ਪਰ, ਦੇਖਾ ਹੈ ਸ਼ੀਰ ਖਾਰ ਕੋ ਮਾਂ ਨਿੰਦ ਸ਼ੇਰ ਨਰ, ਕਹਤੇ ਹੈ ਹਾਥ ਕੱਲਾ ਅਜਦਰ ਕੋ ਚੀਰ ਕਰ, ਹੈਦਰ ਕੀ ਆਂਖ ਜਾਣਤੀ ਹੈ ਫਰਕ ਕੇ ਖੈਰ ਓ ਸ਼ਰ, ਮੂਸਾ ਨਹੀਂ ਕੇ ਹਾਥ ਜਲਾ ਕਰ ਜ਼ਿਆ ਕਰੇ, ਔਰ ਜਬ ਲੁਤਫ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਦ ਮੇ ਇਲਮ ਖੁਦਾ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਇਲਮ ਕਲਬ ਕੀ ਗਹਿਰਾਈਓ ਕੇ ਸਾਥ, ਹੈ ਇਸਕੀ ਜੰਗ ਨਫਸ ਕੀ ਰਸਵਾਈਓ ਕੇ ਸਾਥ, ਹੋਕਰ ਜਵਾਂ ਸ਼ਬਾਬ ਕੀ ਅੰਗੜਾਈਓ ਕੇ ਸਾਥ, ਮਿਸਲੇ ਅਲੀ ਹੈ ਦੀਨ ਕੇ ਸ਼ਹਿਦਾਈਓ ਕੇ ਸਾਥ, ਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕਭੀ ਇਸ ਅਹਲੇ ਫਸਾਦ ਨੇ, ਨਿਕਲਾ ਹੈ ਇਲਮ ਮਿਸਲ ਅਲੀ ਭੀ ਜਹਾਦ ਮੇ, ਔਰ ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਕਬ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਸ਼ੌਕ ਕੋ ਗਰਦਾਨਤਾ ਹੈ ਇਲਮ, ਅਹਲੇ ਜਫਾ ਕੀ ਬਾਤ ਕਹਾਂ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਇਲਮ, ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਕਿਸ ਖਿਆਲ ਮੇ ਸਭ ਜਾਨਤਾ ਹੈ ਇਲਮ, ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਜ਼ਰਫ ਕਾ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਕਿਸ ਕਾ ਜ਼ਰਫ ਯੇ ਪਹਿਚਾਨਤਾ ਹੈ ਇਲਮ, ਮਾਨਿੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਕਲਬ ਪੈਗੰਬਰ ਮੇ ਬਸ ਗਯਾ, ਮਿੰਬਰ ਮੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਕੇ ਦਹਨ ਸੇ ਬਰਸ ਗਯਾ, ਮਿੰਬਰ ਮੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਕੇ ਦਹਨ ਸੇ ਬਰਸ ਗਯਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਕੋ ਸਭਕੋ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਦੁਆ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਹਮ ਸਭਕੋ ਮੌਲਾ ਆਜ ਕੇ ਦਿਨ ਕੇ ਸਦਕੇ ਮੇ ਸਦ ਸਿਹਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਇਲਾਹੀ ਆਮੀਨ ਇਲਾਹੀ ਆਮੀਨ ਇਲਾਹੀ ਆਮੀਨ। ਅਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਕਲਾਮ ਆਪਨੇ ਹਮੇਂ ਸੁਨਾਇਆ। ਮੈਂ ਯਹੀ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ ਤਮਾਮ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸੇ ਯਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ, ਆਜ ਕਾ ਯੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਾ ਦਿਨ ਜੋ ਹੈ ਇਸਕੀ ਖੁਸ਼ੀਓ ਕੋ ਚਾਰ ਚਾਂਦ ਲਗਾਈਏ, ਆਈਏ ਔਰ ਚਾਹੇ ਮਨਕਬਤ ਸੁਣਾਏ, ਕਸੀਦਾ ਸੁਣਾਏ,
تاس تو لفظ میں سنائیں سر میں سنائیں, مگر آج کی اس محفل کو حاضری ہونی چاہیے بالکل. اور میں نے پہلے پرامس کر دیا کہ میں آج چندے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں, صرف اور صرف جو ہے یہ خوشیاں شیئر کرنے کے لیے آپ کے پاس بیٹھا ہوں. پلیز ڈو کم ان, ڈو پارٹیسپیٹ اور رنگ کیجیے. تو یہ تمام چیزیں ہیں, اور امیر المومنین علیہ السلام کے جو کلامی معجزات ہیں اگر ان کی طرف نگاہ کریں کہ ہم پہلے کال کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جہاں کینیڈا سے بات کر رہی ہوں جناب, خوش آمدید. آپ لوگوں کو پہلے تو امام زمانہ کو آج کی عید سعید کی بہت مبارک ہو, مولا کی مبارک باد. اور ہاں میجر صاحب کو اور موسی علی موسی کو اور اپنی بہن سحر کو بہت بہت مبارک باد دے رہی ہوں. میجر صاحب کو بہت بہت مبارک باد ہو. میجر صاحب میں آپ کو کچھ قطعات سنا رہی ہوں. ماشاء اللہ ارشاد. کیا عظمت مدحت علی ہے, کیا عظمت یہ حمد بھی ہے اور ناد بھی ہے. جی گویا ہے خدا رسول کا ذکر, مولا کی جو منقبت ہوئی ہے. اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. یہ دوسرا قطع سنا رہی ہوں. جی جی سردار رسول ہیں علم کا شہر, وہ شہر کے جس کا باب علی ہے. جی جی یعنی کہ علی میں علم باطن سرکار ابو تراب علی ہیں. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. تیسرا سنا رہی ہوں. آسودہ کلیم نبوت علی ہوئے, واللہ مقتدائے ولایت علی ہوئے. علی ہوئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہے ختم انبیاء کی نیابت انہی پہ ختم, وہ نائب جناب رسالت علی ہوئے. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. اس اعلان کے ساتھ $100 میں امام کی پیدائش کے موقع پہ دیتی ہوں. میں میرا بہت لمبا گیپ ہو گیا تھا ایک سال کا میجر صاحب, پھر میں انشاء اللہ تعالیٰ کرتی رہوں گی انشاءاللہ. آپ سب کو آباد رکھے, خوش رکھے اللہ. یہاں آپ کی برکتیں بہت آپ لوگوں کو اور ہم لوگوں کو سب کو کل مومنین مومنات کو نصیب ہو. آمین آمین. خدا حافظ. کینیڈا سے یہ کافی دیر کے بعد تشریف لائی ہیں, پہلے تو تقریباً ڈیلی یہ جو تھی بہت لاجواب کلام جو ہمارے ہر جو فائنانشل سپورٹ ہے اس میں بہت اللہ تعالیٰ ان کو جزاتا فرمائے, ان کی تمام مشکلات جو ہیں صدقے محمد والے محمد کے دور فرمائے. اور آج تو خاص طور پر دن ہے آج وسیلہ, ہم خاص طور پر اسے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے. ناظرین میرا خیال ہے کہ ہم تھوڑے سے ایک چھوٹے سے بریک پر جائیں گے, ہم بریک سے واپس آئیں گے, اپنے پروگرام کو جاری رکھیں گے. آپ کی کالز کا بھی ہمیں انتظار ہے, آپ ضرور شامل ہوئے ہمارے ساتھ اس جشن میں. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ.